उमर अब्दुल्ला जम्मू पहुंचे तो अंदाज फायर ब्रांड वाला था। पिछले 7-8 साल में पार्टी के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों को याद किया, कार्यकर्ताओं को याद दिलाया, फिर कह दिया हमारी ताकत जम्मू कश्मीर के लोगों से है। कौन सा ऐसा हरबा है जो हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया गया? साथियों को डराया गया, धमकाया गया, कुछों को लालच दी गई, कुछों को और झांसे दिए गए। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को सबसे ज्यादा 42 सीटें मिली। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन में शामिल कांग्रेस को सिर्फ 6 सीटें मिली। खास बात यह है कि विधानसभा चुनाव में जीतने वाले निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी उमर अब्दुल्ला की सरकार को है। वहीं कांग्रेस अब तक सरकार में शामिल नहीं हुई है। फिलहाल कांग्रेस ने अभी तक मिनिस्ट्री में शामिल होने का जो है कोई फैसला लिया नहीं है। मुख्यमंत्री बनने के बाद उमर अब्दुल्ला सर्वधर्म संभाव वाला संदेश दे रहे हैं, तो वहीं उनके सामने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने और आर्टिकल 370 की वापसी का वादा पूरा करने की बड़ी चुनौती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।